हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए, ठंडियों में ये एलोरा के जो प्लांट की जो पत्तियां हैं वो ब्राउन हो गई हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके एलोरा की प्लांट की पत्तियां भी इस तरीके से ब्राउन हो गई हैं तो इन पत्तियों को दोबारा से ग्रीन बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, एलोरा का प्लांट जो है वो विंटर सीजन में डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, यानी कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती है विंटर सीज़न में। इस ये एकदम से ग्रो करना बंद कर देता है विंटर सीज़न में, और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है तो दोबारा इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई, हमारा एलोरा का प्लांट बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा था तो इसलिए आपका एलोरा का प्लांट बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था, पर अभी स्प्रिंग सीज़न है यानी फरवरी मार्च का महीना चल रहा है, तो एलोवेरा जो है वो दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। फ्रेंड्स, विंटर सीजन में हमारा एलोवेरा का प्लांट ज़्यादातर जो है वो धूप में ही रहता है, इसमें किसी तरह की ग्रोथ नहीं होती है। तो ये जो मेरा एलोवेरा का प्लांट है उसकी देखिए, इसकी लीव जो है वो ब्राउन हो गई है। फ्रेंड्स, ये जो आपकी लीव्स डेड हो गई हैं, आप इनको कट करके निकाल दीजिए आपकी एलोवेरा प्लांट से। तो फ्रेंड्स, आप अपने एलोवेरा के पौधे की थोड़ी सी सफाई कर लीजिए, इसके बाद जो इसकी डेड लीव्स है उसको कट करके निकाल दीजिए। फ्रेंड्स, गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा होती है और जो एलोवेरा का प्लांट है वो बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं करता है, तो आप अपने एलोवेरा के प्लांट को एक ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती हो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने एलोवेरा के प्लांट को एक शेड के नीचे ट्रांसफ़र कर दिया है। ग्रीन शेड के नीचे मैंने अपने इस एलोवेरा के प्लांट को ट्रांसफ़र कर दिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एलोवेरा के प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो इस तरीके से ब्राउन हो गई हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने पौधे की थोड़ी सी सफाई कर लीजिए, उसके गमले की और मिट्टी की, और फिर उसको एक ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, और वाटरिंग भी बहुत ज़्यादा ना करें। जब आपको लगे कि पौधे की जो ऊपर की मिट्टी सूख गई है आप उसमें तभी वाटरिंग करें। तो फ्रेंड, चलिए अभी देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, 3 दिन बाद हमारा जो एलोवेरा का प्लांट है वो दोबारा से नॉर्मल स्टेज में आ गया है, दोबारा से इसकी पत्तियां जो है वो लगभग ग्रीन हो गई हैं। 3 दिन पहले हमने इसको एक ग्रीन शेड के नीचे रख दिया था, अभी देखिए इसकी पत्तियां दोबारा से ग्रीन हो गई हैं। विंटर सीजन में हमारा जो एलोवेरा का प्लांट होता है उसे हम धूप के नीचे ही रखते हैं, कंटिन्यूस ये धूप के नीचे पड़ा होता है, ये धूप में ही रहता है, इसलिए जो है इसकी पत्तियां जो हैं वो ब्राउन हो जाती हैं। फ्रेंड्स, जब एलोवेरा का प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में होता है तो जो इसकी पत्तियां हैं, जो इसकी लीव्स हैं, इसमें ये एक तरह का पिगमेंट बना लेता है जिसे फिनोलिक पिगमेंट कहते हैं। ये जो पिगमेंट है इसकी पत्तियों को प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, इसलिए जो है धूप में रखने से इसकी पत्तियाँ जो है वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं। तो जैसे ही हम इसको किसी इनडायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो दोबारा से ग्रीन हो जाती हैं। तो पहला जो रीज़न है इसकी पत्तियों का ब्राउन होने का वो तो ये है कि अगर हमने इसको परमानेंटली डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया है तो इसकी पत्तियां जो है वो ब्राउन हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है वो सेकंड रीज़न है ओवर वाटरिंग। अगर आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो भी इसकी पत्तियाँ जो हैं वो ब्राउन हो जाती हैं। तो आप अपने एलोवेरा के प्लांट में 10-15 दिन में एक बार ही वाटरिंग करें। ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी जड़ों में रूट रॉटिंग हो जाती है या फंगस लग जाता है जिसकी वजह से इसकी जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो जाती हैं। फ्रेंड्स, जो तीसरा रीज़न है इसके ब्राउन होने की, इसके पत्तियों के ब्राउन होने की, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। अगर इसमें फर्टिलाइज़र की कमी है तब भी इसकी जो पत्तियाँ हैं वो ब्राउन हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं और ख़राब होने लगती हैं। तो आप इसमें जो है महीने में एक बार किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत ही कम मात्रा में करें पर ज़रूर करें। वैसे तो एलोवेरा के प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो
तो महीने में आप इसमें एक बार किसी ऐसे फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं जिसमें कि फास्फोरस की क्वांटिटी ज्यादा हो। डीएपी का यूज आप अपने एलोवेरा के प्लांट के लिए कर सकते हैं, उसके 4 या 5 दानों का यूज आप एक गमले के लिए कर सकते हैं। इससे आपका एलोवेरा का प्लांट हमेशा ग्रीन रहेगा, इसकी पत्तियां ब्राउन नहीं होगी। फ्रेंड्स, एलोवेरा के फर्टिलाइजर के बारे में ज्यादा बात करने के लिए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है एलोवेरा का, वो फर्टिलाइजर के ऊपर ही है, तो मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसमें हमें किस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने उस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एलोवेरा का प्लांट है उसके ब्राउन होने के पीछे जो 3 मेन रीज़न है वो ये है कि डायरेक्ट सनलाइट, बहुत ज़्यादा सनलाइट, दूसरा ओवर वाटरिंग और तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो आप अगर तीनों को बैलेंस रखेंगे तो आपका एलोवेरा का प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और हमेशा ग्रीन रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि एलोवेरा पे आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। थैंक यू।